ज्ञान योग की स्थिति उन आत्माओं की ही श्रेष्ठ होगी जो आत्माएं शक्तिशाली संकल्पों का निर्माण करने में एक्सपर्ट हो जाएंगी, जिनके संकल्प परिस्थिति नहीं चलाएगी, उनके संकल्प उनके ऑर्डर प्रमाण चलेंगे। तो अभी आपको यही चेक करना है, ठीक है, चेकिंग, क्योंकि हमें चेकिंग और चेंजिंग में है ना, हमें तो चेकिंग और चेंजिंग के थ्रू अपने इफेक्ट और डिफेक्ट को बिठा के परफेक्ट बनना है, यही हमारा क्या चल रहा है, हाँ यही तो प्रोजेक्टर है हमारा, नो इफेक्ट नो डिफेक्ट ओनली परफेक्ट। तो अभी हम मैं आज आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल एक ऐसी चीज करने के लिए दे रहा हूं, सब मिलकर एक स्पेशल तपस्या करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, साइलेंस में जाकर, है ना, डीपली साइलेंस में जाकर, और ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां या व्यक्ति होते हैं जो मेरे संकल्पों को चलाने का कारण बन जाते हैं। एक बात लिख लीजिए आप, ये बातें जो आपको चिंतन में लानी है योग में, क्योंकि इसी पर चिंतन बेस रहेगा आपका आज। आज चिंतन आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में करना है आपको, हा? तो पहला तो आपको हमें चिंतन ये करना है कि कौन कौन सी बातें जीवन में, कौन कौन से व्यक्ति, क्योंकि हमें 24 घंटे का योगी बनना है, हमें अमृत वेले का योगी नहीं बनना। और 24 घंटे के योगी हम तब बनेंगे जब सिचुएशन के समय पर भी योग रहेगा, है ना। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कि कौन कौन सी सिचुएशन, कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन सी परेशानियां मेरे संकल्प चला देती हैं और फिर मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। इवन देन अच्छी बातें भी, क्या कोई अच्छी बात भी तो ऐसी नहीं होती जिस दिशा में मेरे संकल्प चलते ही चले जाते हैं और रुकते नहीं मेरी आज्ञा से। दादी गुलजार ने एक बार क्लास में बताया था योग की विधि के दौरान कि अगर आप योग में बैठे हो और सेवा के संकल्प चल रहे हैं तो ये भी विकारों की श्रेणी में है, ये भी स्वराज्य अधिकारी की स्थिति नहीं है, साधारणता है, ठीक है। तो इस बात को समझना है आपको क्या करना है, वो अब ये सारी परिस्थितियां विजुलाइज करनी है, उसके बाद क्या करना है, परिस्थिति को विजुलाइज करना है, अच्छा इसमें चलती जाती है, इसमें चलती जाती है, अब आपको क्या करना है, उन सभी व्यक्तियों को, सभी परिस्थितियों को, सभी वस्तुओं को बाबा की याद से दृष्टि देनी है कि थैंक यू बाबा, आपने इन सब व्यक्तियों को, सब परिस्थितियों को, सब वस्तुओं को, पदार्थों को मेरे जीवन में भेजा परीक्षा बनाकर, और मुझे आपने पवित्र मन दिव्य बुद्धि का वरदान देकर इन सभी परिस्थितियों में संपूर्ण विजयी बना दिया। मेरे संकल्प मेरी आज्ञा प्रमाण चल रहे हैं, मेरा एक एक संकल्प शुद्ध बन गया है क्योंकि आप मेरे साथ हैं, एकदम स्थिरचित निश्चिंत। तो आपको अपने लिए पहले परिस्थितियों को सोच लेना है और फिर बाबा को थैंक यू करके वो सब कुछ लिखते जाओ कि जो आपकी दिशा को बिल्कुल कम संकल्प, कम संकल्प, कम संकल्प, कम संकल्प करते हुए बिल्कुल एक संकल्प पे लाके टिका दे, बस मैं आत्मा, मेरा बाबा और मैं बन गई प्राप्ति स्वरूप, कोई भी पश्चाताप का, कमी का एक भी संकल्प अंदर में चाह करके भी ना आए। आज इतने हाईएस्ट संकल्प क्रिएट करने हैं और या तो खुद करने हैं या फिर खुद के लिए काम है, क्योंकि हर एक की परिस्थितियों को आप खुद जानते हो।
अब आपको परिस्थिति को सामने लाना है, लेकिन परिस्थिति को भी शक्ति देनी है कि बाबा थैंक यू, आपने पेपर भेजा है और मैं इसको पार कर गई। क्यों? क्योंकि मुझ आत्मा में सभी शक्तियां सभी गुण सदा समाहित हैं, जिसके कारण मुझे, ध्यान से सुनिएगा संकल्प, जिसके कारण मुझ आत्मा को समय की, काल की, साधनों की, सुविधाओं की, व्यक्तियों की, सभी की सपोर्ट है, और इसीलिए मेरा कार्य सहज समाप्त हो गया है। मेरी स्वयं स्थिति सदा ही परिस्थितियों पर विजयी है। ये विजन क्रिएट करना है, अपने आप के स्वरूप को सदा जीतते हुए देखना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब हमारे एग्जाम आते थे, सोच के देखो, जब हम एग्जाम दे रहे होते, दे देते दे, सोच रहे थे अरे मेरे इतने नंबर आएंगे, और वो नंबर जब पहले ही, अभी आए नहीं है, लेकिन नंबर को सोच के ही अंदर में इतनी खुशी होती थी, चेहरे पे स्माइल आ जाती थी, और हम बता देते कि इतने नंबर आएंगे, अभी आए नहीं है, पेपर भी नहीं दिया है, बट सोचते थे और वो सोच भी खुशी देती थी। तो ऐसे ही मैं आत्मा आज संपूर्ण विजयी बन जाऊंगी, सारी परिस्थितियां मेरे नियंत्रण में रहेंगी, सारी परिस्थितियां मुझ आत्मा की विद्वता के सामने सहज हार मान लेंगी। व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति, माया, सब मेरे आगे आज समर्पण हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा स्वयं बाप के साथ कंबाइंड हूं। और बाबा का ही शब्द है, जहां बाप है वहां पाप ठहर नहीं सकता।